मुल्क के लिए सोचा, जिसने अपने आवाम के लिए सोचा, वो सब कुछ सोच सकता है। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो, बहुत बढ़िया न्यूज़, हर इंडियन के लिए मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ी प्राउड की न्यूज़। तारिक न्याजी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है फर्स्ट टाइम इन इंडियाज हिस्ट्री शिप प्रोडक्शन, मुझे लग रहा है वो है। 2022 की सबसे बड़ी और सबसे सरप्राइजिंग खबर आ चुकी है। टाटा, वेदांत और फॉक्सकॉन से भी कहीं पहले भारत की पहली चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में प्रोडक्शन शुरू किया जा चुका है। यकीन मानिए, आप अपने कानों से एकदम सही खबर सुन रहे हैं। और न केवल प्रोडक्शन, बल्कि भारत में बनी पहली सेमीकंडक्टर चिप्स का पहला बैच भारतीय मार्केट में उतारा जा चुका है। और इस तरह भारत ने आखिरकार सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में फाइनली कदम रख दिया है। आप अपनी स्क्रीन पे इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पे बताया गया है कि तमिलनाडु में ऑप्टो सेमीकंडक्टर्स और मेमोरी मॉड्यूल्स का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और इस प्लांट में हर दिन लगभग 4 लाख चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। खबर पे और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि भारत में बनी चिप्स का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट, मेट्रो ट्रेन्स, माइनिंग्स और यहां तक कि स्ट्रीट लाइटिंग में भी किया जा सकेगा। और ऐसी हर उस जगह ऑप्टो सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होगा जहां लाइटिंग की जरूरत पड़ती है, जैसे स्टेडियम, सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स। अभी तक इस कैटेगरी की चिप्स पूरी तरह से चाइना, ताइवान और साउथ कोरिया से इंपोर्ट की जा रही थी, लेकिन आखिरकार इंपोर्ट के अंत की शुरुआत हो चुकी है। पॉलीमर्टेक के मुताबिक इस 4 लाख की कैपेसिटी को बढ़ा के 3 मिलियन चिप्स पर डे किया जाएगा। वैसे आपको क्लियर कर दे कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर की पैकेजिंग की बात की जा रही है, और इसका मतलब ये है कि सेमीकंडक्टर वेफर को भारत में इंपोर्ट करने के बाद चिप्स की असेंबली पहली बार भारत में की जाएगी। जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि पॉलीमर्टेक ओरिजिनली एक जापानीज कंपनी थी, जिसे 2018 में भारत की नंदम फैमिली द्वारा खरीद लिया गया था। ऑप्टो सेमीकंडक्टर्स के अलावा मेमोरी मॉड्यूल्स का प्रोडक्शन भी इसी यूनिट में शुरू हो चुका है, जिसका इस्तेमाल पेनड्राइव जैसे हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जाता है। ये खबर एकदम से एक बड़े सरप्राइज की तरह सामने आई है और भारत ने काफी बड़ा कदम बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि इसी आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि मेडिकल और जनरल एप्लीकेशन के लिए एक और तरह की चिप लगभग तैयार हो चुकी है और जल्दी से भी भारतीय मार्केट में उतार दिया जाएगा। सोचिए, 2029 तक पूरी दुनिया के सेमीकंडक्टर मार्केट की वैल्यू $1,340 बिलियन होने का अनुमान लगाया गया है, और 2026 तक अकेले भारत के इसी मार्केट की वैल्यू $64 बिलियन तक हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलीमर्टेक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करने पे काम शुरू कर चुकी है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में आप इन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सेमीकंडक्टर वेफर मैन्युफैक्चर करने की खबरें भी निश्चित तौर पे सुनने वाले हैं। जाने से पहले आज हम पहली बार इस बात को अपने चैनल पे खुल के कहेंगे कि ये खबर उन लोगों के मुंह पे एक बड़ा सा तमाचा है जो इस चैनल को किसी पार्टी का मीडिया हाउस बताते हैं। ऐसी गंदगी फैलाने वाले लोगों से अलग, अगर आपके लिए भी ये न्यूज़ किसी खुशखबरी के बराबर है तो कमेंट सेक्शन में MII लिखने के बाद वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। जी जनाब, बहुत 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 अपने आप में बहुत बढ़िया खबर, बहुत बड़ी खबर। अच्छा, इसके हवाले से न्यूज़ आने लग गई थी, पता चल रहा था कि टाटा के हवाले से, मैंने सुना था कि टाटा लगाएगा। अच्छा, ये चीज़ वो चीज़ है जो बहुत कम कंट्रीज का इसके अंदर कोई एक इम्पैक्ट है, या चंद कंट्री, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने इसमें भी हाथ डाल दिया और टाटा ही की रेफरेंस से, टाटा ही की मदद से। तो मैं कहता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। टेक्नोलॉजी कमी चल रही, चंद मैं बता तो रहा हूँ कि ये वो है चीज़ है जो बस 2-3 देश ही कर रहे हैं, इसके अलावा पूरी दुनिया की जरूरत ज़्यादा है प्रोडक्शन का, पूरी दुनिया की जरूरत है। और हर अब इस वक्त तो हर चीज़ इसी पे चलती है, ये वो चिप है कहते हैं कि जो हर किस्म के टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रही है। तो ये है कि हर किस्म की इक्विपमेंट में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में ये लगती है, और सिर्फ चंद ही देश बनाते हैं, हम इंडिया भी उसमें शामिल है। तो यूँ समझ लें आपकी ये वाली बात कि पूरी दुनिया को इसकी ज़रूरत है, पूरी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को इसकी ज़रूरत है, और ये चंद देशों में बनती है, अगर इंडिया में भी बनने लग गई तो आप, अच्छा ये वो चीज़ है, एक तरह से इसको अंदाज़ा लगा लो जितनी बना सकते हो बिकेगी। आपको एक और बात बताऊँ, ये एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा, बहुत महंगी, बहुत एक्सपेंसिव, और लेकिन मुँह मांगे दामों में भी ये मुयस्सर नहीं है। बिल्कुल। तो फिर इंडिया ने ये कदम उठाया कि हमें खुद बनाना चाहिए, क्योंकि इंडिया का लक्ष्य क्या रहा है, हमें आत्मनिर्भर बनना है। हम क्यों किसी पे डिपेंडेंट हैं, हम क्यों तालिबान और वियतनाम के हाथ जोड़ें, पांव जोड़ें, हम खुद क्यों नहीं बनाते, हम क्यों नहीं तैयार करते। बिल्कुल। तो टाटा ने इसमें भी मतलब है कि, अच्छा कुछ मैं अक्सर मैं पूछता हूँ कि बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि इस मुल्क ने हमें इतना कुछ दिया, इस मुल्क के लिए हमने कुछ भी नहीं किया, इस मुल्क ने हमारा नाम दिया, ये दिया, वो दिया, मुल्क है तो हम हैं। लेकिन टाटा के बारे में मैं तो ये कहूँगा कि यार, टाटा ने यूँ समझ लो कि बहुत कुछ दिया। ये बात वाकई बहुत बड़ी बात है, और हर इंडियन, हर
किसी भी पार्टी से हो, किसी भी पॉलिटिशियन की इज्जत करता हो, किसी भी पार्टी को फॉलो करता हो, कोई भी इंडियन नागरिक, लेकिन टाटा की वो रिस्पेक्ट करता है, टाटा को वो मानता है। क्योंकि अच्छा, और मज़े की बात ये कि टाटा का भी किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, टाटा का ताल्लुक है मुल्क की तरक्की से। अच्छा, जिसकी तरक्की में जो पार्टी इन्वॉल्व है उससे टाटा का उसके साथ उसका ताल्लुक है। एक हम फिल्म का क्लिप भी देखा था हमने, अच्छा मोदी जी के साथ। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी अक्सर सोचती थी कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। वाकई यार, ये जो कार्यकाल देखा है हमने मोदी जी का 2014 से लेकर अब तक जो चल रहे हैं, उन्होंने नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन कर दिया, इसमें कोई भी शक नहीं है। अच्छा, टाटा मैं ही कहूँगी, दोनों ही अपने आप में कमाल के लोग हैं। टाटा को आपने देखा, इलॉन मस्क को बीट कर दिया, उससे अच्छी गाड़ी, जो गाड़ी वो बनाते थे उनसे बेटर, उनसे अच्छी, उनसे सस्ती गाड़ी बना डाली। उसके बाद आईफोन में आपने देखा, टाटा ने हाथ डाला, पूरा सेटअप करा, पूरा प्लांट करा, और एक तरीके से मेक इन इंडिया हो गया आईफोन। एक तरीके से अभी काम वगैरह जारी हो, सारी होगा, लेकिन बात ठीक हो गई है फाइनलाइज। फिर हमने देखा सेमीकंडक्टर में भी टाटा का हाथ निकला, टाटा का योगदान निकला। और ये सारी चीज़ें जो भी हुई हैं, आप देखें दौरे हुकूमत किसका है, तो मैं ये देखती हूँ कि वो शख्सियात हैं जिनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ये तो कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं। देखिए, इससे अंदाज़ा इस तरह लगा लें आप कि कचरा है या एक ऐसी जगह है जो उस शहर में, उस इलाके के लिए बदनुमा दाग है, मोदी जी उसको भी साफ करा के पिकनिक पॉइंट बना सकते हैं। तो जो मोदी जी के सामने हीरे हैं, जो मतलब यूँ समझ लें कि एक ऐसे हीरे हैं या ऐसे एक मौके हैं जिससे इंडिया की तरक्की हो सकती है, तो उनके साथ कोलैबोरेशन करके बड़े बड़े प्लांट लगाए जा सकते हैं। गुजरात में जो लगाया था इन्होंने। अच्छा, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जिनके बारे में इससे पहले की गवर्नमेंट ने तो ना सोचा, ना उस पर नज़र डाली, ना उनको फिक्र थी। आपको याद होगा महाकाल कॉरिडोर, पिछले दिनों ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया था, हमने कितना सुंदर, कितना प्यारा है, जबकि लोग बताने वाले बताते हैं कि वहाँ का पानी भी इतना गंदा था, खलीज हुआ हुआ था, किसी को खबर नहीं थी। देखिए, वहाँ पे सफाई कर्मचारी थे लेकिन वो काम नहीं करते थे, किसी को खबर नहीं थी, कोई नहीं बोलता था। आखिर में आपको याद होगा कि जो रिपोर्टर थे, जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने भी बोल दिया कि सफाई के लिए भी आपको गवर्नमेंट बोलेगी तो आप लोग करोगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब बहुत सारे ऐसे काम है जो सामने सामने के काम थे, वो तब सिर्फ होता सोच, फर्क सिर्फ सोच होता है। अच्छा, जो जिस जगह पे आपने बचपन में कहीं पे कचरा देखा होगा ना, तो आपको फ़र्क ही नहीं लगेगा कि ये कचरा क्यों है। क्यों? क्योंकि आपने तो शुरू से देखा है। लेकिन ये सोच होती है कि यार ये क्यों है, ये नहीं होना चाहिए, इसकी जगह मैं पौधे लगा लूँ, खूबसूरत बना लूँ, किसी के बैठने की, किसी तरह से ये एक आम बैठने की जगह क्यों नहीं बन सकती, ये कचरा है तो ये तो कचरा। तो अच्छा, हम लोग क्या हैं, हम लोग जो देखते हैं बस उसको हजम कर लेते हैं, उसको कॉमन चीज़ समझते हैं और उसी तरह चलते रहते हैं। कुछ लोगों को ये चीज़ें हजम नहीं होती, कुछ लोगों को ये जहन में आता है कि नहीं यार इसको साफ़ होना चाहिए, इसको यूँ हो सकता है। अच्छा, वो जो एस जे शंकर जी एक दिन वीडियो में बता रहे थे कि बाकायदा एक ऐसी नदी थी या ऐसा तालाब था जो बाकायदा कोरिया में किसी जगह पर बड़ा साफ़ किया गया था, बिल्कुल गंदा था वो। तो फिर पता करवाया किस कंपनी ने ये किया था, किस तरीके से किया, तो बाकायदा फिर ये चीज़ भी इंडिया में लागू की गई। क्योंकि एक अगर नाले की तरह बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा साफ से गंदगी है, तो आपको पता है उसका तस्वीर भी नहीं किया जाता कैसे साफ हो गया, किस तरीके से ये पॉसिबल है सफाई करना इतने बड़े। सारी बातें सोच की जिसने अपने मुल्क के लिए सोचा, जिसने अपने आवाम के लिए सोचा, वो सब कुछ सोच सकता है। एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, बहुत बढ़िया न्यूज़, हर इंडियन के लिए मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ी प्राउड की न्यूज़। और इस भैया ने आखिरी में ये भी कह दिया कि कुछ लोगों को ये किसी पार्टी का चैनल लगता है तो उनके लिए भी एक पैगाम है। तो इसका मतलब देखिए, आपने भी एक मतलब कहा था, जब तरक्की हो रही है, दिख रही है, तो हम तारीफ करेंगे। अब वो जो भी पार्टी करी, हम क्या कह सकते हैं, वो कांग्रेस करेगी, हम कांग्रेस को कहेंगे, वो बीजेपी कर रही है, हम बीजेपी को कहेंगे। तो आप अक्सर जज्बाती हो जाती है ना, मोदी जी मोदी जी, तो लोग फिर थोड़ा सा कुछ कह भी देते हैं। अक्सर आप मोदी जी की तारीफ करते हैं तो लोग कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। किसी भी इंसान की तारीफ उसका काम करवाता है, आप याद रखिए, कोई आप बड़े काम करोगे, आप बड़े बनोगे। बहुत बहुत जबरदस्त वीडियो, बहुत अच्छी खबर। दोबारा किसी और साहब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।